एक यूनिट होल्डर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाता है उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लगता है कि जैसे मेरे मेरा घर लुकेश हो तो गया है दो में मैंने जमीन यहाँ से ली है दो अभी तक दो तक मेरी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन पूरी नहीं हुई इन इंस्टेट ऑफ हेल्पिंग इंश्यू वो उनको क्या कर लेता है ऐसी ऐसी कहानी ये करो वो करो वो करो बेचारे बहुत सारे यूनिट होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड भी कर लिया है सरकार हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज़ मरतब करती है मगर अफसरशाही की कोताही की वजह से ये पॉलिसी कभी भी, भी रोब अमल नहीं लाई जा रही है हमारी रियासत और ख़ासकर आज इसी लाशीपुर में सनतकारी की बदतरीन हालात है साल 2014 में सालाब की नज़र वो साल चला गया है साल 2016 रेस्ट हुआ जिसका ज़्यादातर असर साउथ कश्मीर पर ही पड़ा चूँकि आज लाशी इसी लाशीपोरा इसी साउथ कश्मीर में दायम है 2019, 2020, 2021 में ना बीस में हालात की वजह से ये तबका बहुत सी परेशानियों की नज़र हो गया कर्जा हासिल करने के लिए बैंक वालों ने बहुत सी शराइ आयद रखे हैं जिसकी मनमानी कभी भी यूनिट होल्डर को पूरी नहीं हो सकती है जिसके लिए वो दर्ब, दर दर की ठोकरें खाता रहता है दूसरा सिंगल विंडो की रियलेंस जो होती है हर जगह जहाँ हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप देखिए जहाँ सिंगल विंडो की क्लियरेंस होती है सारे अफसर एक ही कमरे में होती है वहाँ से सारे एन इजरा होती है यहाँ ये कि यहाँ की बदकस्मती है एक सिंगल विंडो क्लियरेंस करने के लिए हमें दो साल लगते हैं जब सिंगल विंडो क्लियरेंस हो रही है उसके बाद हमें फॉर्मलिटी के लिए दो दो चार चार साल लगाते हैं एक एक दफ्तर के लिए हमें भटकना पड़ता है मैं एक छोटी सी मिसाल दूँगा पी डी महकमा है उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरटेंटिंग इंजीनियर अस्टेंट इंजीनियर या भी उनका कोई ज़िम्मेदारा जे ही हो वो भी सिंगल विंडो में उस यूनिट की क्लियरेंस देता है कि मैं दूंगा इतना पावर इसके लिए मेरे पास अवेलेबिलिटी है लेकिन उसके बाद जब हमें उसके लिए फॉर्मेलिटीज आगे बढ़ानी पड़ती है तो चार चार पांच पांच जगह हमें एन के लिए दर 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 भटकना पड़ता है यही हाल है पोल्यूशन का पोल्यूशन यहां से ऑनलाइन किया श्रीनगर श्रीनगर से जम्मू हमें पता ही नहीं चलता ये फाइल कहां पहुंची है कहां से आई है कहां जा रही है और जहां पर नुकता उठता है हमें एक साल के बारे पता चलती है फलानी जगह आपका नुकता उठ गया तो आपको फाइल वापस आई है दो साल काबल ये एक अहम इशू है फार्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है मैं खासकर अपनी बात करता हूं दो में मैंने जमीन यहां से ली है दो अभी तक दो तक मेरी फार्मल रजिस्ट्रेशन पूरी नहीं हो रही है कोई कोई नुकता उनको निकाल कर जबकि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गई है कि मेरा डीपीआर प्रेजेंट वहां था उसमें सारे अफसरों ने साइन किया है हां ये ठीक है उसके बाद मुझे अड़चनी पेश की गई है सब्सिडी का मसला ये इसमें कोई टाइम ही मुतयन नहीं है ये कब मिलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता ही नहीं है ये कुछ खास मसले हैं जिनकी वजह से आज इसी लासीपुर के अस्सी परसेंट यूनिट होल्डर्स और इनके कुंबे मेंटल स्टेटस में मुबतला हैं जबकि पचहत्तर परसेंट यूनिट होल्डर्स आल, आ, यूनिट आज भी ऑलरेडी बंद पड़े हैं हमारी सरकार से अपील है कि इनकी खा कुछ ख़ास मसलों पर तोज़ो देकर हमारे लिए ऐसा माहौल तैयार करें कि हम अपना कारोबार फिर से तरी करें